Good morning students, I hope you all are doing well. So today we are going to start with a new topic, that is poem. The name of the poem is one, We Who Love Books, and it is written by the poet Ruskin Bond. So बच्चे इस poem में हम पढ़ेंगे कि poet ने कैसे books की importance के बारे में बताया है. यानी कि जो poet है वो कह रहा है कि जो books है वो उसकी best friends है. चाहे वो बुक्स उनकी ख़राब हो जाए, चाहे वो उसके बाइंडिंग फट जाए, फिर भी जो उसकी बुक्स है उसकी बेस्ट फ्रेंड्स है, उसकी बेस्ट कंपेनियंस है, राइट. सो लेट मी रीड दिस लाइंस. सम बुक्स आई विल नेवर गिव अवे, थू ओल्ड एंड वॉन देयर बाइंडिंग टॉर्न, अपॉन माई शेल्व्स दे विल ऑलवेज स्टे, अलाइव स्टिल रीड स्टिल फ्रेश ईच डॉन, देयर मैजिक मोमेंट्स नेवर गॉन. कहता कि बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड, चाहे वो पुरानी हो, चाहे वो फटी हो, उसकी बाइंडिंग ढंग की हो ना हो, वो हमेशा मेरे कबर्ड में है, हमेशा मेरे सेल्फ के ऊपर रहती है. दे विल ऑलवेज स्टे, चाहे वो फट गई है, चाहे वो नहीं ठीक है, ख़राब है, उसकी जो मुझे फिर भी वो स्टिल फ्रेश नज़र आती है, जो उसका मैजिक है, जो उसकी मैजिक की मूमेंट्स है, वो मेरे दिल और दिमाग से कभी भी नहीं जाती. इट मीन्स कि पोइट बुक्स को इतना ज़्यादा प्यार करता है कि चाहे बुक्स उसकी फट भी गई हो, पुरानी भी हो, फिर भी वो उस बुक्स को अपने सेल्फ के ऊपर रखता है, राइट. नेक्स्ट रीड दिस लाइंस. फैमिलियर फ्रेंड्स दीज टाइमलेस टेल्स. टाइमलेस टेल्स क्या होता है बेटा? स्टोरीज डैट विल ऑलवेज बी लव्ड हैव बीन विद मी सिंस आई वॉज 10. And as I turn their pages once again, I feel and love your old refrain. मतलब कि कहता मेरी फ्रेंड्स की जैसी है, मतलब ऐसी स्टोरीज है जो जितनी मर्जी चाहे उसके मतलब वो ख़त्म हो जाए, फिर भी मेरा दोबारा दोबारा उसको पढ़ने को मन करता है. कहता जब मैं 10 का था, 10 ईयर्स का था, तभी मुझे बुक्स के साथ प्यार हो गया था. एंड एज आई टर्न योर पेजेस, मैं उसके पेजेस बार 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 उसको मतलब टर्न कर रहा था. आई फील एंड लव योर ओल्ड रिफ्रेन, मतलब टू डू समथिंग, किसी चीज़ को रोकना, ठीक है. वो कहता मुझे बहुत प्यार है बुक्स के साथ, बहुत ज़्यादा प्यार है. Next, great words means blessing, great thoughts still stand the test of time that's passing by so fast. कहता चाहे कितने पोइट आए हैं गए हैं, लेकिन ये जो स्टोरीज है बुक्स की, ये हमेशा मेरे मन में रहती है. दीज गुड कंपेनियंस नेवर फेल, ये सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो कभी भी फेल नहीं होती. समटाइम बच्चे हम बोर हो जाते हैं, तो क्या होता है हमारा सबसे अच्छा पढ़ कि हम बुक्स पढ़ लेते हैं. बहुत अच्छी बुक्स है, नॉवल्स है, जो हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग करती है, बार बार पढ़ने को मन करता है. टू गिव मी जॉय, टू नरिश मी, मतलब ये मुझे नरिश कर देती है, फ्रेश कर देती है. आई एम ग्लैड व्हेन आई यूज्ड टू रीड द बुक्स. वी हु लव बुक्स विल ऑलवेज बी द लकी वंस, आर माइंड सेट्स फ्री. कहता जो लोग बुक्स को पढ़ते हैं उनका माइंड फ्री हो जाता है, एक बैड थिंकिंग के, बैड थिंकिंग करना वो छोड़ देते हैं. Means those who love books, they always keep their mind free from bad thinking and illegal affairs. मतलब वो घटिया घुटिया बातें सोचना बंद कर देते हैं when one start to loving the books, right? So students, इस poem का क्या conclusion है, poet क्या कह रहा है? The poem is about books that can never be forgotten, even though they are not read anymore. They are old or they are torn. Whenever the magazines are read, once feel good due to their breathtaking stories, right? Means books are our best friends. We feel glad, the poet feel glad when he used to read the poem. So he always maintain their books on the shelf, right? So they enjoy their magical moments which never gone. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई होप आपको बच्चों ये पोएम इंटरेस्टिंग लगी होगी, राइट.